एक पकोड़े से NSA तक का सफर मोदी सरकार में तय हो सकता है। विकास हो रहा है देश में, बिल्कुल हो रहा है, नफरत का विकास हो रहा है देश में। नमाजी को लात मारी जाती है, सिखों को खालिस्तानी बजाया जाता है। मोदी दूर नहीं है कि केले के पत्ते बांध करके पूरा देश घूमेगा। कौन अपने आप को भगवान समझ रहा है? आज मोदी जी, योगी जी राजनीतिक गुरु समझते हैं अपने आप को। आज उनको चणक्य बताया जाता है। उनके बलात्कार हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा, और वहाँ पर बैठ करके आप एक भाषण दो 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और सवाल ये है कि इस बार बीजेपी को हटाना है, लेकिन एक तरफ बीजेपी नारा देती आ रही है कि अब की बार 400 पार। इसी पर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं सरदार जी इन सारी चीजों को? वाकई लग रहा है कि कांग्रेस इस बार हटा पाएगी बीजेपी को? देखिए, बात यह कांग्रेस की नहीं है, देश की है। क्या देश के लोगों को एकत्र होना पड़ेगा? कांग्रेस के एकत्र होने से, कुछ नेताओं के जीतने से संविधान नहीं बदले जाते, या संविधान को रोक नहीं सकते बदलने से। आज की डेट में जनता को एकत्र होना पड़ेगा, जनता को जमीन पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये वोटिंग जो आपको दिख रही है, तो वोटिंग एक भ्रम है, ये वोटिंग नहीं हो रही है, ये EVM में सब कुछ सेट है। आज ये भी बता देंगे आपको कि कौन सी जगह से कितनी टिकट, कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी जगह से कितने वोट पड़ेंगे, सब कुछ सेट है ऑलरेडी, वो मशीनों के अंदर फिक्स हो रखा है। ऐसा लगता है कि EVM में गड़बड़ी है। जब एक आदमी इंसान को इंसान ना समझे, अपने आप को भगवान समझे, तो उसका घमंड उतरना बहुत ज़रूरी है। और आज मोदी सरकार को EVM पे बहुत घमंड है। आज इनके घमंड को उतरने के लिए आपको ये देखना जरूरी पड़ेगा कि EVM में अब तक कितने फेरबदल होते आए हैं। कौन क्या लगता है कि कौन अपने आप को भगवान समझ रहा है? आज मोदी जी, योगी जी राजनीतिक गुरु समझते हैं अपने आप को। आज उनको चणक्य बताया जाता है। आज जो रणनीति है, आप एक बात बताओ, EVM हैक नहीं होती क्या? सरेआम लोगों ने हैक करके दिखाई है मीडिया में, तो आप इस चीज को समझो। भगवान वाली बात आपने कही, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये बात कहते आए हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी में कृष्ण जी की छवि दिखती है। देखिए, आज जिन आदमियों को राजनीति में फायदा लेना होता है, उनको मोदी में सब कुछ दिखता है। अगर आप एक आम आदमी से पूछोगे तो वो कहेंगे, भैया हमें तो इस राजनीति में सिर्फ जो बैठे गद्दी पे लोग हैं उनमें शैतान दिखता है, क्योंकि हमें तो इंसान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इंसान के अंदर एक दर्द होता है। जिस देश में बहन बेटियां सड़कों पे रो रही हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा, और वहां पर बैठ करके आप एक भाषण दो 400 पार। अरे 400 पार की बात कर रहे हो, 400 आदमी की तो सुन लो, 400 आदमी की नहीं सुन सकते आदमी, नहीं सुन रहे आज के समय। आपको क्या लगता है किसकी सुन रहे हैं मोदी जी? कह रहे विकास हो रहा है देश में, बिल्कुल हो रहा है, नफरत का विकास हो रहा है देश में। नमाजी को लात मारी जाती है, सिखों को खालिस्तानी बजाया जाता है, इस चीज का विकास हो रहा है हमारे देश में। 2014 के बाद से सिर्फ नफरत का विकास हुआ है, देश का विकास तो धरातल पे आप देखोगे तो कर्जे में डूब चुका है देश। आज की डेट में माँ की कोख में पलने वाला बच्चा भी 1.5 लाख के कर्जे में है, आप क्या विकास मानते हो? कह रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और उज्ज्वला गैस योजना से लेकर तमाम योजना हर एक वर्ग के, हर एक समुदाय के पास, हर एक जनता के पास पहुँचाई है। कभी आप चलो 370 को लेकर जम्मू कश्मीर, आपको वहाँ लोगों से मिलवाता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ रहने वाले हिंदू, वहाँ रहने वाले हिंदू खुश नहीं है, वो कह रहे हैं हमारी कश्मीरियत छीनी जा रही है, यूपी बिहार से ला करके लोग बस जाएंगे वहाँ पे, हमारा क्या होगा? भैया आज की डेट में कश्मीर की वादियों में एक खुशबू थी, आज उस खुशबू को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो तुम लोग। आज की डेट में कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियत है, जो वहाँ जिंदा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, ये तो उनके बीच में सब तरह के लोग गुजरे हैं। इंडिया ही गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसको लगता है कि बीजेपी राज में तानाशाही होती है, ये सबको लगता है। आपको नहीं लगता क्या? देश के लोगों को नहीं लगता? आज कौन ऐसा आदमी जो बोलता है? तानाशाही तो उन 70 सालों में हुई है। ये 70 सालों में देश का विकास हुआ, 70 सालों में देश जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर आज हमारे को देखने को मिल रहा है कि हमें दोबारा आदिवासी बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि केले के पत्ते बांध करके पूरा देश घूमेगा। आज रोजगार के नाम पे लोगों को पकोड़े देने की बात करते हैं, अगर वो पकोड़े लगाएं तो पुलिस लाठियां देती है, और उसके बाद लाठियों के खिलाफ प्रदर्शन करे तो धारा 144 देती है, अगर धारा 144 में कूद पड़े तो जेल में बंद करती है, और जेल में बंद करने वाले जो नारे होते हैं उनके ऊपर NSA लगा देती है। एक पकोड़े से NSA तक का सफर मोदी सरकार में तय हो सकता है। NSA की आपने बात करी, CAA भी अब देखिए लागू हो गया है, कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? देखिए, CAA की बात अगर आप करो तो हमारे देश में जो हिंदू रहने वाले हैं उनको संरक्षित किया गया। आप CAA के माध्यम से ये कहना चाह रहे हो कि देखो हम हिंदू हृदय सम्राट वाले लोग हैं। आपने कितना हिंदुओं के लिए किया? आपने 10 साल में हमारे देश में, आज देश की 80 करोड़ लोगों को हाथ में 5 किलो गेहूं पकड़ा दिया, जो कि 27 करोड़ लोग गरीब थे। आप समझो हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे सिर्फ 27 करोड़ लोग थे, और आज वो कहाँ पहुँच चुके हैं? डबल से भी ऊपर आंकड़ा पहुँच गया। किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से। आप वो आंकड़े क्यों नहीं दिखाते? आज आप उस मीडिया को, अंधवक्त उस मीडिया को सब कुछ मान लेते हैं जो सारा दिन नफरत परोसने वालों का समर्थन करती है। अभी अनीश देवगन पे, अमन चोपड़ा पे पता नहीं 50,000 रुपये के जुर्माने भी लगे हैं। आपने फ्री स्कीम की बात करी, तो बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जाता है, एक सत्ता पक्ष की तरफ से, कि जो फ्री स्कीम की अगर आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो फिर केजरीवाल को शरण क्यों दी? केजरीवाल के साथ गठबंधन क्यों कर लिया कांग्रेस सरकार ने? देखिए, आज की
डेट में हमारा गठबंधन केजरीवाल के साथ करना, वो ये दिखाता है कि हम एक तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक लोकतंत्र है, वो होना चाहिए। केजरीवाल हमारा विरोध करेगा, हम केजरीवाल का विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। पर आप ये बताओ, जब देश ही गुलाम बन जाएगा तो हम आपस में रह के क्या करेंगे? आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि क्यों इंडिया का गठबंधन हुआ, इंडी बना, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस अपने आप को इतना कमजोर समझती है बीजेपी के आगे कि जिसने 70 साल इस देश पे राज किया, आज बीजेपी को हराने के लिए इस तरह से गठबंधन करना पड़ रहा है? देखिए, गठबंधन तो भाजपा ने भी किया है। आज एक क्षेत्र के अंदर रहने वाली पार्टियां होती हैं, आज वो लोग जो हैं वोट काटने का काम करते हैं। आज अगर आप केजरीवाल की बात लो, समाजवादी की बात लो, बहुजन समाज पार्टी की बात लो, मायावती की सरकार की, ओवैसी की, तो ये सारे वो छोटे 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 क्षेत्रीय दल हैं जिन क्षेत्रीय दलों की वजह से वोट कटता है। और ये देश का चुनाव हो रहा है, ये किसी स्टेट का चुनाव नहीं है। तो जब देश का चुनाव होगा तो छोटी छोटी पार्टियों को ऑटोमेटिकली गठबंधन करना पड़ेगा। ये तो ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे। अब जैसे वर्ल्ड वार हुआ था, अब पूरा वर्ल्ड वार हुआ था तो एक तरफ रशिया के साथ लोग थे और एक तरफ अमेरिका के साथ लोग थे, आप समझो इस बात को। तो जो बेसिकली आज हमारे को समझना पड़ेगा, ये गठबंधन ये नहीं है कि हमारी मजबूरी है, ये गठबंधन जरूरत है। ठीक है, 2024 में क्या लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी काम कर रही है, हरा पाएगी, गिरा पाएगी सरकार को? अगर ईवीएम बंद हो जाए तो ये 400 पार छोड़ो, 40 भी पार नहीं होंगे। मैं आपको दावे से कोरे कागज पे स्टैंप लगा के सार में अंगूठा भी लगा दूंगा। और बताओ, तो देखिए साफ तौर पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के लोगों का, जिस तरीके से एक तरह से प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ ये मांग है कि जो तमाम अगर योजनाओं की बात भी है तो वो कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।